हाँ जी, क्या रिलेशन था बेटा? दिस वॉज द एक्सप्रेशन, ठीक है? न्यूमेरिकल लिखो एक. द कंसेंट्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, द कंसेंट्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन एन टू की कंसेंट्रेशन है 1.5 × 10⁻². एच टू की है 3 × 10⁻². एंड फॉर द अमोनिया दैट इज 1.2 × 10⁻². राइट डाउन द रिएक्शन, बैलेंस्ड इट. And find out the equilibrium constant. Find out the Kc. ये रिलेशन नहीं यूज होगा क्योंकि हमारे पास Kp नहीं है, ठीक है? तो Kc का एक्सप्रेशन यूज करो जो आपने लास्ट टाइम लॉ ऑफ मास एक्शन में से निकाला था. Use the expression for Kc that we derived last time from the law of mass action. Law of chemical equilibrium, not mass action, chemical equilibrium. हाँ जी, बैलेंस इक्वेशन बोलो बेटा. एन टू प्लस एच टू इट गिव्स अमोनिया. बैलेंसिंग बोलो. यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? द एक्सप्रेशन फॉर के सी, पहले हम प्रोडक्ट लिखते हैं, रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, देन वी राइट डाउन द रिएक्टेंट्स. अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर बताओ. ये सॉल्व करो, तब तक मैं दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखती हूँ. Thank you.
हाँ जी डन बेटा, इज इट डन? कितना आया आंसर? पेपर में कैसे करना है? चलो उसको छोड़ दो फिर, कैलकुलेशन पार्ट नेक्स्ट डे वाला न्यूमेरिकल बताओ मुझे, वो घर से सॉल्व करके लाना और मुझे कल आंसर बताना इसका। बताओ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, अदर रिएक्शन अकर्स एट 700 केल्विन, ठीक है? इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 700 केल्विन पे रीच कर रही है, आपको केपी की वैल्यू दी हुई है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी। You will be using that expression. KC निकालना है हमने, R की वैल्यू 0.082, हाँ वो कोई बात नहीं, आप 82 और 83 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.082। T आपको 700 केल्विन दिया हुआ है, वॉट अबाउट डेल्टा एन जी, कितना है आंसर मुझे बताओ, डेल्टा एन जी का आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ डेल्टा एन जी? इफ यू रिमेम्बर तो डेल्टा एन जी की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी कि प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं उसमें से आपने रिएक्टेंट के मोल्स माइनस कर देने हैं। प्रोडक्ट के टोटल मोल्स कितने हैं? 2+1, 3 माइनस रिएक्टेंट एक ही है, उसके मोल्स कितने हैं? तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे आर टी रह जाएगा अकेला, आपने के सी निकालना है तो केपी को डिवाइड करो आर टी से, सिंपली निकल जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू 1 हो गई है, तो यू गेट के पी डिवाइडेड बाई आर टी ओनली एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू के सी। इज दैट क्लियर? चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपने निकाल लेना है घर से। नेक्स्ट राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? केसी, ठीक है? इफ मोलर कंसंट्रेशंस आर गिवन एंड केपी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर्स। अब सबसे पहले ये कहते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केसी, ओके, ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे हैव अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, ओके? इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तब ही जो है वो के सी दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली देन इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अब इसका एक एक्सप्रेशन लिख लो, लॉग ऑफ के टू माइनस लॉग ऑफ के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T। ये आपने सिर्फ लर्न करना एक्सप्रेशन, ठीक है? राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एनीवेयर। अगर मैं दो टेम्परेचर्स को कंपेयर कर रही हूँ T1 और T2 टेम्परेचर्स पे जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो रीच हो रहा है, ठीक है? T1 के लिए K1 आ जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, फॉर टेम्परेचर T2 देयर विल बी K2। उन दोनों का जो रिलेशन है आपके पास ये गिवन है, यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके?
द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज कि आप इक्विलिब्रियम को बोथ साइड से अटेन कर सकते हो. यू कैन अटेन दैट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड ऑल्सो, यू कैन अटेन द इक्विलिब्रियम फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो. ये नहीं है कि एक बार ही हमने रिएक्टेंट से ही हमेशा स्टार्ट करना है और प्रोडक्ट तक जाना है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए. नो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो दोनों तरफ से क्या कर सकती है, घूम सकती है. ओके, आइदर यू कैन गो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, आइदर यू कैन गो फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम. बायो में आप कैटलिस्ट पढ़ते हो. व्हाट इज कैटलिस्ट? दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. ऐसी चीज जो रिएक्शन के रेट को क्या करती है, फास्ट करती है. ठीक है, बट यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम में बात करूं तो कैटलिस्ट का कोई काम नहीं है इक्विलिब्रियम में. If you are going to add the catalyst in the reaction, assuming that it is going to change my equilibrium, that is not going to do. क्योंकि catalyst ने क्या करना है, उसने reaction के rate को increase करना है. उसने forward reaction और backward reaction दोनों का जो rate है वो same pace से क्या करना है, increase करना. यानी कि जिस pace से आपकी forward reaction जा रही है उसी ही speed से आपकी backward reaction जा रही है. ठीक है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखिए. इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन का रेट क्या होता है बेटा? क्या आपकी रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम पे कुछ? व्हेन द सिस्टम हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, ओके, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कि कितनी रिएक्शन हुई है वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तीन, चार, आठ. हाँ जी बेटा, रिएक्शन का रेट आपके अकॉर्डिंग क्या होगा एट इक्विलिब्रियम? जीरो, क्योंकि रिएक्शन तो बढ़ ही नहीं रही, आगे नहीं हो रही है ना. एज सून एज द रिएक्शन हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, वो उसी में ही घूमी जा रही है बस, जो उसने बनाए हैं, जहां तक उसने प्रोडक्ट्स बनाए हैं. ठीक है, फर्दर इम्प्रूवमेंट और फर्दर रिएक्शन इज नॉट प्रोसीडिंग. ठीक है, इंटरमीडिएट जो भी बना है, बीच वाला जो बना है, वो आपकी रिएक्शन वहीं तक स्टॉप हो गई है अगर उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है. ओके, तो आपकी जो रिएक्शन है वो आगे नहीं बढ़ रही है. सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इट विल बी जीरो एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन. कुछ साइन कन्वेंशन हम लेते हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. सम साइन कन्वेंशन वी टेक इफ वी टॉक अबाउट द प्योर सब्सटेंस. ठीक है, मैंने कोई भी चीज ली है, प्योर सब्सटेंस में है वो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन प्योर सॉलिड स्टेट है, इट इज नॉट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म और इट इज नॉट इन द एक्वस फॉर्म. तो जो भी आपकी सब्सटेंस है दैट इज इन द प्योर सॉलिड स्टेट, इन द प्योर स्टेट, ठीक है, उसका जो आप कंसेंट्रेशन लेते हो, द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1. उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो प्योर है. इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द डिसॉल्व्ड फॉर्म. एक्वस फॉर्म में होती, पानी के साथ मिक्स हुई हुई है, फिर हम देखते हैं उसका इफेक्ट. ओके, प्योर स्टेट में वो सिंगल एंटिटी है, एक एंटिटी है, समझ रहे हो? इफ द सब्सटेंस इज इन द प्योर फॉर्म दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ सिंगल एंटिटी दैट हैज नॉट एनी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो उस केस में हम जो इसकी कंसेंट्रेशन लेते हैं वो 1 लेते हैं. ओके, Secondly, if any substance is present in a large amount, बहुत ज्यादा excess में present है, उसकी भी जो आपने molar concentration लेनी है वो 1 लेनी है. For example, sometimes we will be doing the reaction with water. करते हैं ना हम, right? किसी भी चीज को dissolve करते हैं हम water में, तो यहाँ पर पानी क्या है, excess में present है. पानी excess में हो गया ना, तो यहां पर जो वाटर है उसकी मोलर कंसेंट्रेशन भी हमने क्या लेनी है, 1 लेनी. ओके, दैट मींस दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द, और इट्स कंसेंट्रेशन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, तो वो 1 ही है. समझ आई बात? इफ द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट और द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एक्सेस,
तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, देयर मोलर कंसेंट्रेशंस दे आर ट्रीटेड एज वन. ओके चलिए नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्शन क्वेश्चन. नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्शन क्वेश्चन. It is denoted by Q. अब आपने दो चीजें समझनी है. पहले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आपको पता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हम तब देखते हैं when we are having equilibrium point. ठीक है, but at each and every step of the reaction हमने देखना है कि वो reaction जो है वो कितनी proceed हुई है, कितनी आगे बढ़ी है. देखते हैं ना हम, ठीक है. जब आप कुछ कुकिंग वगैरह भी करते हैं, आप देखते हैं ना कि वो चीज जो है वो कितनी कुक हो चुकी है, राइट. 50% है, 75% है, 100% कुक हो गई है कि नहीं, ऐसे देखते हो ना हर बार वाइल कुकिंग. तो इन द सेम प्रोसेस व्हेन द रिएक्शंस दे आर गोइंग ऑन इन द इक्विलिब्रियम वी चेक कि जो रिएक्शन है वो कितनी प्रोसीड हो चुकी है. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द रिएक्शन हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज के के सी के पी. रिएक्शन कोशेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एवरी पॉइंट. जिस पॉइंट पे भी हम देख रहे हैं उस पॉइंट पे मैं क्या एक्सप्रेस करूंगी, उसका रिएक्शन कोशेंट. इज दैट क्लियर. एट ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन वेयर यू आर सीइंग द रेट दैट हाउ मच द रिएक्शन हैज प्रोसीड, उस पॉइंट पे आप क्या बताते हो, उसका रिएक्शन कोशेंट बताते. व्हेन द रिएक्शन हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट पे आप क्या बताते हो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताते. नाउ राइट डाउन द थ्री थिंग्स. व्हेन के इज मोर, व्हेन क्यू इज मोर, एंड व्हेन बोथ आर इक्वल. Okay, while checking the rate of the reaction, I found that the K is more than the Q. ठीक है, कि जो equilibrium constant है उसकी value ज्यादा है Q से. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी reaction है it is near to achieve the equilibrium. The reaction is near to achieve the equilibrium. यानी कि जो product form हुए हैं यहाँ पे अभी कम हुए हैं, जो reactants हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जाए और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें. इज दैट क्लियर. अगर आपकी के की वैल्यू ज्यादा है, व्हाट दैट मींस दैट द रिएक्शन इज नियर टू अचीव द इक्विलिब्रियम. यही बात है ना, के मतलब इक्विलिब्रियम, आपकी रिएक्शन जो है वो नियर है टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट. दैट मींस जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, किसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दे कैन अटेन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. इज दैट क्लियर. नाउ यहां पर रिवर्स हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे और वो किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, रिएक्टेंट्स में. ठीक है, ओके. Now what about this? Equilibrium point है, ठीक है. Here both the equilibrium constant and the reaction coefficient they are equal. That means the reaction has attained the equilibrium point. तो जब आपकी reaction ने equilibrium attain कर लिया तो हम भी यही कहेंगे ना कि वो equilibrium पे ही है अभी. तो equilibrium constant भी वही कहेगा कि ये equilibrium है. Is that clear? Next write down. That is very very important topic now. Lee-Chatelier principle.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अभी जो आपके एग्जाम्स आने हैं आपको यहीं तक आना है. आयनिक इक्विलिब्रियम इट विल बी इन द नेक्स्ट नाउ. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपको यहीं तक आएगा, हाफ चैप्टर. ओके, जो आयनिक वाला पार्ट है अर्हीनियस कंसेप्ट, एसिड ब्रेसेस, बफर सॉल्यूशन, ठीक है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, सेकेंड पार्ट जो है इसका वो नेक्स्ट में हम करेंगे. ओके, चलिए, लीच एटलियर प्रिंसिपल. नाउ दिस प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है कि सपोज आपकी चीज ने, आपकी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया हुआ है. व्हाट इफ आई ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट इफ आई ट्राई टू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है, या मैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, जो कंसेंट्रेशन है, उसको चेंज करके देखूं, क्या इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होगा उसके साथ. ये तो मैंने आपको बताया था कि नहीं होगा, राइट. सो वट एवर द इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रेशर इज देयर, दैट इज नॉट गोइंग टू शो एनी चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है, अब यही सेम प्रिंसिपल ये कहता है. ओके, सो ये कहता है कि अगर आपने इंक्रीज किया है किसी भी चीज का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसेंट्रेशन का, ओके, वॉल्यूम्स का, सो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर लेता है. ओके, इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को ऐसे शिफ्ट कर लेता है टू अनडू दैट इफेक्ट, टू कैंसल आउट दैट इफेक्ट, ताकि जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए और इक्विलिब्रियम जो है वो फिर से अटेन हो जाए. ओके, जो नेट रिजल्ट आना है दैट शुड बी नलिफाइड, दैट शुड बी कैंसल आउट, और दोबारा से जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाए, एस्टेब्लिश्ड हो जाए. ओके, दैट मींस नॉट अ सिंगल रिएक्शन इज फेवर्ड. ये नहीं है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली फॉरवर्ड हो जाएगी या रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैकवर्ड हो जाएगी. नो, इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि दोबारा इक्विलिब्रियम जो है उस रिएक्शन के लिए अटेन हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट. इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वन मार्क में पूछ लेते हैं व्हाट इज लीच एटलियर प्रिंसिपल. इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड, और थोड़ा राइटिंग पे ध्यान दो अपना, आपका राइट अप ऐसे नहीं आ रहा है. फर्स्ट टर्म में आपने सारे एमसीक्यूज किए हैं, सारा सब्जेक्टिव भूल गए हो. लिखने पे ध्यान दो, कैसे लिखना है. आपको कई बारी चीजें पता होती है, जैसे रफली मैंने समझाई हुई है आपको, आप उसी वे से रफली लिख देते हो, बट दैट इज नॉट कन्वेइंग द होल मीनिंग दैट वी नीड. समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो आप रफ रफ लिखते हो ऐसे नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट सेंटेंस इन अ कंप्लीट मीनिंगफुल वे, ताकि उसका कंप्लीट मीनिंग निकले. आपको जो आधा अधूरा मतलब पता है वो नहीं हमें चाहिए. ओके, सो इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन, और कंसेंट्रेशन, The equilibrium will shift itself in such a way. The equilibrium will shift itself in such a way so as to cancel out. So as to cancel out. Or neutralize the effect of the change, so as to cancel out or neutralize the effect of the change. ठीक है जी, statement समझ आई? Now firstly write down effect of change of concentration. अब हम देखेंगे कि अगर मैं उस इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा. हेयर आई एम टेकिंग टू कंपाउंड्स, थोड़ा कलर्ड कंपाउंड्स लेंगे ताकि हमें जो इफेक्ट है वो भी तो पता चले. ठीक है, फेरिक नाइट्रेट एक सॉल्ट है जिसमें से इसने फेरिक आयंस देने हैं.
नेक्स्ट इज पोटेशियम थायोसाइनेट. दिस इज थायोसाइनेट आयन. द सॉल्यूशन इज कलरलेस. जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, एंड दैट इज ऑफ रेड कलर. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? ठीक है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें येलो कलर का सॉल्यूशन है, एक में कलरलेस है, दोनों को मिक्स कर दिया. जैसे आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने 10th में दिखाई हुई है, दिखाई थी ना, बेरियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. ओके, सो इन द सेम वे यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. अब सबसे पहले सपोज आई हैव इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस Fe3 पॉजिटिव आयन. मेरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है. अब उस रिएक्शन में मैंने Fe3 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, यानी कि मैंने थोड़ा सा और फेरिक नाइट्रेट डाल दिया. ठीक है, मैंने थोड़ा सा और क्या डाल दिया? फेरिक नाइट्रेट डाल दिया. किस तरफ डाला? इस तरफ डाला. इक्विलिब्रियम अपने आप को किस तरफ शिफ्ट करेगा? इट विल शिफ्ट इन दी. अब आपने बात कैसे करनी है? द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्टेंट साइड ज्यादा डलाना तो अपने आप को किस तरफ शिफ्ट कर लेगा? सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. Is that clear? ठीक है, अब नेक्स्ट. अगर मैंने थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है यही मैंने डाल दिया, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाहर मैंने बना लिया उसको, एंड सेम दिस कॉम्प्लेक्स आई हैव एडेड दिस साइड, थोड़ा सा और डाल दिया, तो ये रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. ये रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ज्यादा अमाउंट हो गया अब इसका. तो इक्विलिब्रियम अपने आप को किस तरफ चेंज करेगा? इट विल शिफ्ट इटसेल्फ टू द बैकवर्ड रिएक्शन. लेफ्ट राइट भी कह सकते हो आप, ठीक है, लेफ्ट राइट भी कह सकते हो. दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टू द लेफ्ट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इटसेल्फ टू द राइट डायरेक्शन. तो अभी इस तरफ आएगी, ठीक है, सो बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन है और ये किस साइड है? राइट साइड. इज दैट क्लियर? उसने उस इफेक्ट को नलीफाई करना है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी है. अगर आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो उसने प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाना है. अगर आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो उसने किस साइड शिफ्ट हो जाना है? रिएक्टेंट साइड शिफ्ट. घूमता रहेगा बस, ठीक है, घूमता रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब इसमें आपने सिंपली दो लाइंस लिखनी है. वैसे ये है बहुत इजी, बट थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगता है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का पता नहीं चलता है मुझे, ठीक है. अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर यू हैव टू ऑलवेज फेवर्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, मतलब आपने अपना इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट कर देना है जिस साइड कौन सी रिएक्शन हो रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया है तो आपने अपना इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट कर देना है जिस तरफ कौन सी रिएक्शन फेवर्ड हो रही है. फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन N2+O2, ये गैसियस में है सारे, इट गिव्स NO. और आपको इसका एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है
यानी कि जो एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, नॉट रिलीज, द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज 180 किलो जूल्स. अब मैंने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक. ये है, इस तरफ एंडोथर्मिक फेवर हो रही है, इस तरफ ऐसे ही है कि नहीं? एंडो मतलब पॉजिटिव हीट है, एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है. अगर नेगेटिव होता तो एक्सो आ जाना था. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है ना, तो नेगेटिव होता. यहां पर मैंने दी है तो एंडो है. इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी इन द फॉरवर्ड. डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा.